हे गाइस, वेलकम टू सपना कॉर्नर। क्या आप भी रोजाना घर पे सिंपल सी बनने वाली ऑमलेट खा खा के हो चुके हैं बोर? तो ये रेसिपी आपके लिए है। तो चलिए आज बनाते हैं ऑमलेट एक बिल्कुल नए तरीके से, जो कि बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी बनने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं हमें इसे बनाने के लिए किन किन इंग्रेडिएंट की जरूरत होगी और इसके बनाने की प्रोसेस। ये अंडे ले लिए हमने 3, आलू, बटर, चीज़, ये नमक ले लिया है हमने और कुछ स्पाइसेस है। सबसे पहले हम कढ़ाई में ऑयल डाल देंगे, आधा कप के करीब ऑयल है। और अब हम इसमें आलू डाल देंगे, जो कि हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए थे। आलू को फ्राई होने में 5 से 7 मिनट लग जाएंगे। तो देखिए हमारी आलू फ्राई हो गई है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए और आलू अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, आप इसे निकाल लीजिएगा। अब हम एक बोल ले लेंगे, उसमें अंडे डाल देंगे। 3 अंडे हमने डाल दिए हैं और ये आलू डाल देंगे जो कि हमने फ्राई करके रखे हुए थे। और ये नमक डाल देंगे हल्का सा। आप नमक हल्का सा ही डालिए, क्योंकि बटर और चीज़ में काफ़ी नमक होती है। और उसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह। अब एक तवा ले लेंगे, तवा पे 1 चम्मच के करीब हम बटर डाल देंगे। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। बटर को अच्छी तरीके से मेल्ट कर देंगे। और अब हम इसमें अंडे डाल देंगे, चारों तरफ फैला देंगे अंडे को। और ये ग्रेटेड चीज़ डाल देंगे हम ऊपर से, चिली फ्लेक डाल देंगे हम। आप चाहें तो चिली फ्लेक की जगह कुटी हुई लाल मिर्च का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये हल्का सा ओरिगैनो डाल देंगे, मिक्स हर्ब कुछ डाल देंगे। अगर आपके पास है तो आप डालिए, वरना मत डालिए। आप इसकी जगह कुटी हुई काली मिर्च का यूज़ कर लीजिए। अब हम इसे कवर करके 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, ताकि हमारी चीज़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और हमारे अंडे बिल्कुल बन जाए। तो देखिए हमारी अंडे बिल्कुल पक गई है, चीज़ भी अच्छी से मेल्ट हो गई है। तो फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारी ऑमलेट। लग रही है ना ये बिल्कुल यम्मी और चीज़ी? ये खाने में भी उतनी ही टेस्टी होती है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, अपने घर पे बनाएं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी यम्मी रेसिपी आप मिस ना करें। लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।